चाणक्या आई ए एस में आपका स्वागत है आज से 100 साल पहले भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपनी युवा अवस्था में था उसका कारण यह था कि भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन था जिसकी सत्ता हजारों मील दूर लंदन में कुछ लोगों के द्वारा चलाई जा रही थी ब्रिटिश शासन के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले भारतीयों को अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें कई प्रकार के प्रलोभन लोभ दिए जाते थे उन्हीं में से एक था उपाधियां और सम्मान देना जैसे कि केसरे हिंद नाइटहुड लेकिन जब कभी भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के हित को अनदेखा किया गया या उनके हित को चोट पहुंचाई गई तब उन भारतीयों के द्वारा जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने सम्मानित किया था वे अपने सम्मान उन्हें वापस कर देते थे इन्हीं सब का परिणाम था स्वतंत्रता आंदोलन का परिणाम था स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले भारतीयों की परिश्रम का परिणाम था कि सन सैतालीस में यह देश आजाद हुआ और कुछ सालों के बाद भारत गणतंत्र बना भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में वैश्विक पटल पर उभर कर आया और यहां यह बात भी याद रखने की है कि भारत को निन्यानवे साल की किसी लीज पर आजादी नहीं मिली थी आजादी के बाद विभिन्न भारतीयों के द्वारा सैन्य और असैन्य क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने पर उन्हें सम्मानित किया जाता है और इन्हीं सम्मानों में से एक सम्मान है पद्मश्री पद्मश्री के अंतर्गत कुछ श्रेणियां हैं जैसे कि पद्मश्री पद्म भूषण और पद्म विभूषण यहां मैं पद्मश्री पर इसलिए खास जोर दे रहा हूं क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई पद्मश्री सम्मानों की घोषणा की गई लेकिन इस बार के सम्मान में जिन व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया वह खास चर्चा में नहीं रहा बल्कि उससे संबंधित विवाद चर्चा में रहे अब यहां पर यह है कि आखिर वो विवाद क्या थे वो विवाद थे पहला पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा पद्म पुरस्कारों के नाम की घोषणा के सार्वजनिक होने के बाद तो उस पुरस्कार को स्वीकार ना करने से संबंधित घोषणा करना दूसरा कि एक पार्टी के वरिष्ठ सदस्य के नाम की घोषणा जब सरकार के द्वारा की गई तो उसी पार्टी के अन्य सदस्यों के द्वारा उनके द्वारा पुरस्कार को ग्रहण करने से संबंधित जो स्वीकृति है उसकी आलोचना करना और तीसरा बंगाल की ही एक प्रसिद्ध गायिका के द्वारा उस सम्मान को इस आधार पर लेने से इनकार कर देना कि यह उनकी योग्यता के अनुसार नहीं है अब यहां पर यह है कि यह जितने भी कदम उठाए गए पुरस्कारों से संबंधित क्या यह सही है या गलत है अब इस पर सबकी अपनी अलग अलग राय हो सकती है ठीक उसी तरह मेरी भी अपनी राय है मेरी राय यह है कि यह कदम गलत है अब यहां पर यह महत्वपूर्ण है कि केवल राय नहीं होनी चाहिए बल्कि होना तो यह चाहिए कि राय के पीछे कोई उपयुक्त तर्क हो तो जिन जिन आधारों पर पुरस्कार को लेने से इनकार किया गया आइए जरा देखते हैं कि वो आधार सही है या गलत है चलिए अब बात करते हैं पहली घटना की वो कौन सी घटना है घटना यह है कि वेस्ट बंगाल के एक पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा पद्म पुरस्कार से संबंधित उनके नाम की घोषणा के बाद उनके द्वारा उस पुरस्कार को लेने से इनकार करने की घोषणा करना देखिए अगर पद्म पुरस्कारों के नाम की घोषणा की प्रक्रिया को अगर आप देखें तो इसमें यह है कि जब सरकार किसी व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन में उल्लेखनीय योगदान को देखने के बाद उनको पुरस्कार देने का निश्चय करती है तो सबसे पहले उस व्यक्ति से बात की जाती है फोन कॉल के द्वारा फिर उस व्यक्ति की सहमति होने के बाद ही सरकार उनके नाम को सार्वजनिक करती है कि उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है अब इतनी प्रक्रिया के बाद वह भी उस व्यक्ति के द्वारा जो लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने एक उच्च पद को धारण किया है उनके द्वारा इस पुरस्कार को ग्रहण करना यह अच्छी बात नहीं होती है या एक अच्छी परंपरा नहीं होती है दूसरी बात यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि आखिर यह पुरस्कार दिया किसने यह पुरस्कार तो भारत सरकार के द्वारा दिया गया है और जब पुरस्कार भारत सरकार ने दिया है तो फिर उसे स्वीकार करने में ऐतराज कैसा ऐतराज तो तब होना चाहिए जबकि वह पुरस्कार या सम्मान किसी दूसरी सरकार के द्वारा या यूं कहें कि औपनिवेशिक सरकार के द्वारा दिया जाता और फिर महत्वपूर्ण यह है कि इस पुरस्कार को देने का आधार क्या है आधार है कि सार्वजनिक जीवन में उल्लेखनीय कार्य करना तो क्या माना जाए कि आपने सार्वजनिक जीवन में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे आधार की वह क्या वह यह कि पुरस्कार को स्वीकार करने के बाद उस व्यक्ति की आलोचना करना अब जरा इसे देखिए कि जिस पुरस्कार या सम्मान को आजादी के बाद हर वर्ष दिया जाता है इसका मतलब यहां पर यह है कि यह पुरस्कार किसी खास राजनीतिक पार्टी से नहीं बंधी है क्योंकि विगत सत्तर वर्षों में कई पार्टियों की सरकार बनी है लेकिन पद्म पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो यह लगातार दिया जाता है और फिर एक बात यह भी कि अगर मान लें कि सरकार किसी और पार्टी की है और पुरस्कार प्राप्त करने वाला किसी अलग पार्टी का तो इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए और इसे राजनीतिक मुद्दा भी नहीं बनाना चाहिए और चलो मान लिया कि यह एक राजनीतिक मुद्दा है तब तो यह और भी अच्छा है क्यों इसलिए क्योंकि इसमें दलगत भावना या पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कुछ किया गया है और एक बात महत्वपूर्ण है कि जब आप इस तरह की पुरस्कार पर बहस करते हैं तो यह एक शंका को जन्म देता है वही कि पूर्व से जो यह पुरस्कार दिया जा रहा है क्या यह पुरस्कार राजनीति से प्रेरित होकर दिया जाता है क्या यह पुरस्कार पार्टी लाइन से बंद कर दिया जाता है अब बात करते हैं उस तीसरी घटना की जिसमें बंगाल की एक सुप्रसिद्ध गायिका ने पद्म पुरस्कार को लेने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि यह उनकी योग्यता से मेल नहीं खाता है चलिए मान लिया कि अगर व्यक्तित्व किसी पुरस्कार या सम्मान से बड़ा है तो फिर उस पुरस्कार को ग्रहण या स्वीकार कर उस सम्मान की या पुरस्कार की गरिमा आप बढ़ा दीजिए या आप स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दीजिए कि पुरस्कार से व्यक्तित्व बड़े होने के बावजूद भी उन्होंने पुरस्कार या सम्मान को सम्मान दिया एक बात महत्वपूर्ण होती है वह क्या वह यह कि व्यक्ति का मूल्य समाज तय करता है ना कि उस व्यक्ति की इच्छा या वह व्यक्ति स्वयं तय करता है तो कुल मिलाकर यहां पर यह कहना है कि भारत की संप्रभु सरकार के द्वारा या भारत एक संप्रभु राज्य के रूप में जिन पुरस्कारों या सम्मानों की घोषणा करता है उसे केवल और केवल सम्मान के नजरिए से देखना चाहिए उसे केवल पुरस्कार के नजरिए से देखना चाहिए ना कि उसे किसी राजनीतिक मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए धन्यवाद डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अपडेट